पौराणिक नदी सरयू में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन बुनकर नगरी से निकलने वाले केमिकल युक्त गंदे पानी को नाले और नालियों के माध्यम से सरयू नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का पानी लगातार विषाक्त होता जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि हम नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में प्लान कर रहे हैं। माता सरयू की जो पावन सलीला है, ये टांडा से होकर के बहती है। इसके जो तमाम गंदगियां शहर के नाले और फैक्ट्रियों की केमिकल की जो गंदगियां इसमें जाती हैं, इससे नाते से प्रदूषित हो रही है दिनों दिन, और इससे समाज की आस्था बिल्कुल आहत हो रही है और इसको प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रयास ये किया जा रहा है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, जिससे जो नालियों का नालों का पानी मिल करके जाता है नदी पे, उस पानी को हम एक जगह ले जा करके उसको साफ करें, उसके बाद साफ करके पानी डाला जाए उसके लिए। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं नदी के किनारे कहीं पर जो लो लैंड है वहाँ पर हमको जमीन मिल जाए। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का सरकार का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। टांडा नगर से निकला गंदा पानी पवित्र मोक्षदायिनी सरयू नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ा रहा है और प्रशासन है कि आज तक इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना सका। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।